क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके हैं, यहां से 11 आगे बढ़ते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई और मैट्रिक्स में समीकरण दिया हुआ है, एक्स वाई क्या है, दो से मल्टीप्लाई करते हैं 2x, यहाँ 3x, वाई से मल्टीप्लाई माइनस वाई प्लस वाई, और यहाँ 10 और यहाँ पर 5, दोनों को हल कर देते हैं, ये और ये घटेगा 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई और इसकल टू 10 और 5। कंपेयर करते हैं 2x माइनस वाई इसकल टू 10, 3x प्लस वाई इसकल टू 5, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स वाई को निकालते हैं, वाई वाई कटा 5x, इधर 15 और x की वैल्यू 3 आया, x मालूम तो अब y निकाल लेते हैं, तो दूसरा इक्वेशन से चली, और 3x प्लस वाई इसकल टू 5, एक्स की वैल्यू 3 धर दे रहे हैं, 3 किया 9 जाके उन्हें घट रहा है, और वाई की वैल्यू यहाँ पर आ गया -4। तो फिर रिपीट, दो एक्स से मल्टीप्लाई किए 2x, यहाँ पर आपका 3x, ये माइनस वाई प्लस वाई, हल करते हैं 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई इसकल टू 10 5। कंपेयर करते हैं इसको इसके इक्वल किए, इसको इसके इक्वल किए, और दसवां क्लास के हिसाब से हल करके x और y की वैल्यू निकाले। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड x y z w, ये चारों की वैल्यू बताइए, 3 से मल्टीप्लाई इसको करते हैं 3x 3z 3y 3w, और ये आपका यहाँ पर दोनों को घचोड़ देते हैं, रिजल्ट आया x प्लस 4, यहाँ भी हल z प्लस w माइनस 1, इसको भी हल x प्लस y प्लस 6, और यहाँ भी हल 2w और प्लस 3। अब कंपेयर करने जा रहे हैं, और 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, x आ घटेगा 2x, और यहाँ से x की वैल्यू आपको 2 मिलेगा। अभी दोनों को कंपेयर कर देते हैं, तो ये आपका 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, आके ये देखिए घट रहा है, और घट करके w की वैल्यू 3 आए। आगे भी कंपेयर कर देते हैं ये दोनों को, तो रिजल्ट यहाँ बचा 3z z प्लस w माइनस 1, और यहाँ पर z इधर घटाओ ले आते हैं, बचेगा 2z, यहाँ पर बचेगा w माइनस 1। w की वैल्यू धरने जा रहे हैं, और जिसकी वैल्यू यहाँ 3 माइनस 1, इस तरह से 2z इक्वल टू दोनों घट करके 2 हो गया, और z इक्वल टू यहाँ पर आपका 1 हो गया, z मालूम हो गया। अब आपको यहाँ से y निकालना है, तो कंपेयर करते हैं 3y इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6, वाई ने घटाओ ले आते हैं 3y माइनस वाई एक्स प्लस 6, ये घट के बच रहा है आपका 2y, x के वैल्यू निकाले हैं पुट कर देते हैं, और 2 प्लस 6 2y इक्वल टू 8, और यहाँ से y इक्वल टू 4। फिर भी 3 से गुणा करते हैं 3x 3z 3y 3w, ये दोनों को जोड़ देते हैं x प्लस 4, यहाँ जोड़े z प्लस w माइनस 1, इसको जोड़ते हैं x प्लस y प्लस 6, ये जुड़ेगा 2w प्लस 3। कंपेयर करते हैं 3x इक्वल टू x प्लस 7, x आके घटेगा 2x इक्वल टू 4, और 2 से कटेगा 2 2 4, ये दोनों को कंपेयर करते हैं 3w बराबर 2w प्लस 3, इसको इधर घटाओ ले आते हैं, घट करके w इक्वल टू 3, यहाँ भी कंपेयर करते हैं 3z इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, z आके ने घटेगा 2z बचेगा, उधर w माइनस 1, w की वैल्यू 3 धर दे, 3 में घटेगा 2, 2 2 कटेगा, तो z के वैल्यू
यहां भी कंपेयर, थ्री वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स, वाई आके ने घटेगा माइनस वाई, होने बचेगा एक्स प्लस सिक्स घट के टू वाई, और एक्स की वैल्यू निकाले हैं, धर देते हैं टू, छः दो आठ और दो चौकी आठ, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू चारों की वैल्यू प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स इक्वल टू दिया है कॉस एक्स साइन एक्स जीरो, यहां साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, आप कहता है यहां पर प्रूव दैट, साबित कर दीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई आप इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू यहां दिया हुआ है, आप प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। चलते हैं एलएचएस से, जो आपका है एफ एक्स आप इंटू एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, पुट करते हैं कॉस एक्स साइन एक्स जीरो, यहां भी साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, आप एफ वाई की वैल्यू यहां से पुट करें, जहां एक्स है वहां पर वाई धर दें, आंसर आया कॉस वाई साइन वाई जीरो, ये आपका साइन वाई कॉस वाई जीरो और जीरो जीरो वन है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर हो गया कॉस एक्स कॉस वाई, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ साइन एक्स साइन वाई, और ये इसके साथ रिजल्ट, यहां भी मल्टीप्लाई करें तो ये आपका साइन एक्स आगे कॉस वाई, यहां पर रिजल्ट प्लस कॉस एक्स आगे साइन वाई, और ये आपका रिजल्ट, यहां भी मल्टीप्लाई करें जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई साइन एक्स कॉस वाई, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई जीरो हो गया, यहां भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया कॉस एक्स कॉस वाई, आगे रिजल्ट यहां भी मल्टीप्लाई करें जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, आगे गुना करते हैं जीरो जीरो जीरो, और यहां मल्टीप्लाई जीरो जीरो जीरो, ये क्वेश्चन कैसी से नाम लिखा जीरो जीरो वन, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो आपका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो फॉर्मूला आपका होता है साइन ए प्लस बी, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं और पढ़ते हैं कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, जो फॉर्मूला हुआ साइन ए प्लस बी, और यहां कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो फॉर्मूला आपका कॉस ए प्लस बी, और इधर बचा जीरो जीरो, ये आपका एलएचएस की वैल्यू हुआ। अब चलते हैं आरएचएस से, जो एफ एक्स प्लस वाई है, जहां एक्स है वहां एक्स प्लस वाई किया गया है, तो जहां जहां एक्स इसमें है वहां वहां एक्स प्लस वाई धर दे, तो रिजल्ट आया आपका कॉस एक्स प्लस वाई, यहां साइन एक्स प्लस वाई, यहां भी आपका साइन एक्स प्लस वाई, और आगे कॉस एक्स प्लस वाई, और यहां जीरो जीरो वन, और मिलाइए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस।
क्वेश्चन नंबर 14 ताता प्रूफ दे, आप प्रूफ करिए। 14 का सेकंड हम बना रहे हैं, फर्स्ट आप कौन दे देंगे। और यह देखिए दो मैट्रिक्स है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आप कहता प्रूफ करिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और प्रूफ कर दीजिए दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे आप देखेंगे दोनों इक्वल नहीं। तो पहले हम इससे चलते हैं 101 और आगे 211 300 और -102 1-13 और 014 मल्टीप्लाई करते हैं -1 + 0 + 6 यहां मल्टीप्लाई 0 0 0 यहां मल्टीप्लाई -1 + 0 + 0 यहां पर मल्टीप्लाई 1 - 2 + 9 और इसमें मल्टीप्लाई 0 - 1 0 और यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 1 - 1 0 यहां भी गुणा करिए 0 + 2 + 12 और इसमें आपका 0 + 1 + 0 और इसमें गुणा 0 + 1 + 0 अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। रिजल्ट बचा 5 0 - 1 9 1 10 में 2 8 - 1 0 ये आपका 14 1 1 और ये आया LHS की वैल्यू। अब चलने जा रहे हैं हम RHS से जो है -102 1-13 0 1 और 4 और इनटू में है 101 211 300 दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करें -1 + 0 + 0 और यहां मल्टीप्लाई 0 0 1 और ये 2 + 0 + 4 यहां भी मल्टीप्लाई -2 + 1 + 0 देते हैं -1 - 1 + 6 ये आपका -1 0 4 4 8 3 11 ये आपका -3 और 0 और 6 और मिला लीजिए LHS इक्वल टू RHS नहीं है आप देख लीजिए। इसलिए अंत में हम रिजल्ट देते हैं और 101 211 300 आगे -1 0 2 और 1 - 1 3 0 1 4 नोट इज इक्वल टू -1 0 2 1 - 1 3 0 1 4 और इनटू है 101 211 211 और 300 यही पर आपका साबित हुआ। फिर भी LHS चले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए फिर RHS चले वहां भी दोनों मल्टीप्लाई किए और अंत में देखिए कि दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं है। ये 14 का हम सेकंड बनाए हैं। अब 14 का फर्स्ट हम आपको दे देते हैं उसको घर में आपको टच करना है। -1 7 2 3 1 4 नोट इज इक्वल टू 2 3 1 4
5 6 माइनस 1 7, अभी दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, फिर इसका प्रोडक्ट निकालिएगा, दोनों के गुणनफल आपस में बराबर नहीं है, उसको साबित करिएगा, जो अभी तुरंत हम प्रूव करके दिखाए। क्वेश्चन नंबर 15, एक मैट्रिक्स दिया है 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 0, आप कहता फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5 ए और प्लस 6 i, इसकी वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले ए स्क्वायर चाहिए, इसलिए पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए, ए की वैल्यू धरते हैं 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, और बगल में फिर से एक को धर देते हैं 0 1 -1 1 3 0, मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं और ये आपका हो जाएगा 4 + 0 + 1, और ये आपका 4 + 2 + 3, और ये हो जाएगा 2 - 2 0, यहां पर आपका 0 0 - 1, ये आपका 0 और 1 और -3, और ये आपका 0 - 1 0, यहां मल्टीप्लाई हो गया 2 0 0, और ये आपका 2 और +3 + 0, और ये आपका 1 - 3 0। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं, हल हो करके 5 4 2 6 3 9, और ये आपका 0, ये आपका -1, यहां पर हल करिए तो -2, ये आपका -1, ये हो गया 2 5 - 2, ये आपका ए स्क्वायर की वैल्यू आया। अब क्वेश्चन से चलते हैं, जो है ए स्क्वायर माइनस 5 a + 6 i, ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से धरने जा रहे हैं 5 9 0 - 1 - 2 - 1 2 5 - 2, और यहां पर ए की वैल्यू धरने जा रहे हैं क्वेश्चन से 2 2 1 0 1 - 1 और 1 3 0, आई की वैल्यू धरते हैं 0 1 0 0 0, तो रिजल्ट बचा है यहां 5 9 0 - 1 - 2 - 1 2 5 - 2, 5 से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं 10 10 5 0 5 - 5 5 15 और 0, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 0 0 0 6 0 0 0 6, जोड़ का काम पहले होता है इसलिए ये दोनों को पहले हमको जोड़ना है, जोड़ दीजिए इसको, आप जोड़िएगा तो 6 और 5 जुड़ेगा 11 होगा, ये जोड़िएगा 9 0 - 1, इसको जोड़ दीजिएगा तो ये आपका +4, ये जुड़ेगा -1 2 5, अब ये हल हो जाएगा +4, और इधर आपका 10 10 5 0 5 - 5 5 15 0, अब दोनों को घटा देते हैं तो ये घटेगा 1 बचेगा, ये आपका -1 - 5, ये भी आपका -1, ये -1, ये -4 - -1, ये आपका घट करके -3 - 10 4, आप इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकाले। सिंपल है, सबसे पहले ए स्क्वायर ए गुना ए निकाल लिए, क्वेश्चन से चले ए स्क्वायर की वैल्यू धर दिए, ए की वैल्यू धरे, आई का वैल्यू धर दिए, 5 से और 6 से मल्टीप्लाई किए, दोनों को जोड़ दिए, जो आया उसमें इसको घटा दिए।
क्वेश्चन नंबर 16, ए एक मैट्रिक्स है, 102 है, 020 है, 213 है। आप कहता है यहां पर प्रूव दैट ए क्यूब आर माइनस 6a² आर 7a प्लस 2i और इसकी जो वैल्यू है वह जीरो मैट्रिक्स है। तो ए की वैल्यू यहां पर दिया है और प्रूफ कर देना है क्यू माइनस 6² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो हमको ए क्यू की जरूरत, तो सबसे पहले ए स्क्वायर, जिसका मतलब ए इंटू ए, ए की वैल्यू 102 020 213 और बगल में पुनः ए की वैल्यू धरे 020 213, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + 0 + 4। यहां मल्टीप्लाई 002, इसमें मल्टीप्लाई 2 + 0 + 6, यहां मल्टीप्लाई 000 और इसमें मल्टीप्लाई 0 + 4 + 0 और यहां मल्टीप्लाई 000। इसमें भी मल्टीप्लाई 2 + 0 + 6 और यहां मल्टीप्लाई 0 + 2 + 3 और इसमें मल्टीप्लाई 4 + 0 + 9 और इसको सॉल्व करते हैं 5 2 8 0 4 0 8 5 13 ये वैल्यू हो गया ए स्क्वायर का। अब हमको चाहिए तो चलिए एक क्यू निकालते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्वेश्चन से धरें 1 02 02 0 2 1 3 और ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकाले हैं 5 2 8 0 4 0 8 और 5 और 13। दोनों को गुना कर देते हैं 5 + 0 + 16 यहां गुना 0 + 4 + 8 यहां गुना 10 + 0 + 24 और इसमें गुना 0 + 0 + 0 यहां पर गुना 0 + 8 + 0 और इसमें गुना 0 0 0 और इसमें गुना 8 + 0 + 26 और इसमें गुना 0 + 10 + 13 और इसमें गुना हो गया 16 + 0 + 39 आप सॉल्व कर देते हैं 16 5 21 8 4 12 24 10 34 ये 0 8 0 और ये आपका 34, ये आपका हो गया 23 और 9 6 15 5 8 1 55 ये हो गया आपका एक क्यू का वैल्यू। एक क्यू निकाल लिए, ए स्क्वायर भी निकाल दिए। अब LHS चलते हैं जो है एक क्यू माइनस 6 स्क्वायर और 7a + 2i। एक क्यू की वैल्यू यहां से धरते हैं 21 12 34 0 8 0 34 23 55 और ए स्क्वायर की वैल्यू है यहां पर धर रहे हैं जो आपका है 5 2 और 8 0 4 0 8 5 13। 7 है ए की वैल्यू क्वेश्चन से धर रहे हैं जो आपका हो गया 102 020 213 और यहाँ आई की वैल्यू धरते हैं 100001001
इक्कीस बारह चौंतीस जीरो आठ जीरो चौंतीस तेईस पचपन छ से गुना कर देते हैं तीस बारह छ अठे अड़तालीस और छ चौक चौबीस और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आठ छ अड़तालीस छ पचे तीस तेरह पचे पैंसठ और सात से मल्टीप्लाई करें सात जीरो चौदह जीरो चौदह जीरो चौदह सात इक्कीस और यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं दो जीरो 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 दो जीरो 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 टू जोड़ का काम पहले होता है इसलिए इसको 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 पहले जोड़ना पड़ेगा आपको तेईस सात अट्ठाईस और ये जुड़ेगा तो तीस ये बारह हो गया जीरो जीरो जोड़ करके बारह और चौंतीस चार अड़तीस दस अड़तालीस और जीरो जोड़िएगा तो अड़तालीस और यहाँ पर जोड़ दीजिए जीरो 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 आठ चौदह बाईस और दो चौबीस और ये आपका जीरो 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 और ये चौंतीस और चौदह अड़तालीस और जीरो जोड़िएगा अड़तालीस और तेईस सत्तीस जोड़िएगा हलो तीस और पचपन और एक छप्पन छप्पन और बीस जोड़ दीजिए तो छप्पन और बीस आपका छियासठ और छियासठ थ्री पचपन और एक छप्पन छप्पन और बीस छिहत्तर और छिहत्तर में दो जोड़िएगा आपका अठहत्तर और माइनस में आपका तीस है ये आपका बारह है अड़तालीस जीरो चौबीस जीरो अड़तालीस तीस पैंसठ तो मिलाइए यहाँ पर देखिए टोटल एलिमेंट आपका मिल रहा है सब घट करके जीरो आ रहा है लेकिन इसमें एक मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर अठहत्तर है और यहाँ पर आपका पैंसठ है तो इस एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर को जरा चेक कर लेते हैं ये आपका ए स्क्वायर है सब एलिमेंट को फिर से मिला लेते हैं ए स्क्वायर का अर्थात ए इंटू ए एक ही वैल्यू धर दिए जीरो टू जीरो टू वन थ्री यही वैल्यू यहाँ भी धर दिए मल्टीप्लाई कर देते हैं वन प्लस जीरो प्लस फोर यहाँ भी जीरो प्लस टू यहाँ मल्टीप्लाई किए टू प्लस जीरो प्लस सिक्स इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए रिजल्ट आएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो यहाँ मल्टीप्लाई जीरो प्लस फोर प्लस जीरो यहाँ मल्टीप्लाई जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका टू प्लस जीरो प्लस सिक्स ये मल्टीप्लाई होगा जीरो प्लस टू प्लस थ्री यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर प्लस जीरो प्लस नाइन हल कर देते हैं पाँच ये आपका दो ये आठ ये जीरो ये चार जीरो यहाँ पर आठ ये आपका पाँच पहुँचा दे अब ये क्यों निकालना है अर्थात ए इंटू ए स्क्वायर ए की वैल्यू क्वेश्चन से वन जीरो टू जीरो टू वन टू वन थ्री यहाँ तक सही पाँच और दो और आठ जीरो आठ जीरो आठ पाँच और तेरह यहाँ तक मिलाते हैं इसको यहाँ पर पाँच प्लस जीरो प्लस सोलह यहाँ मिलाते हैं जीरो प्लस चार प्लस आठ इसको मिलाते हैं ये आपका दस हो गया प्लस जीरो प्लस चौबीस इसको मिलाते हैं जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इसको मिलाइए जीरो प्लस आठ प्लस जीरो ये भी मिलाते हैं जीरो प्लस जीरो इसको भी मिलाते हैं आठ प्लस जीरो प्लस छब्बीस मिला है ये भी मिलाइए जीरो प्लस दस प्लस तेरह ये भी मिल रहा है इसको मिलाइए और ये आपका हो जाएगा सोलह प्लस जीरो प्लस उनचालीस हल कर देते हैं इसको सोलह पाँच इक्कीस आठ चार बारह ये आपका चौंतीस ये आपका जीरो आठ जीरो ये हो गया आपका चौंतीस ये आपका हो गया तेईस
आर 9 6 15 5 7 1 3 1 4 3 5 एकदम सही। एलएचएस चलते हैं, एक क्यू का मान धरते हैं 21 12 34, यहां 0 8 0 34 23 55 माइनस h a स्क्वायर की वैल्यू यहां करते हैं 5 2 8 0 4 0 और 8 5 13 यहां तक। अब a की वैल्यू यहां धर रहे हैं 1 0 2 0 2 0 यहां 2 1 3 i की वैल्यू है। ये आपका जैसे है वैसे 6 से गुणा किए 30, 6 2 12 8 6 48 0 6 4 24 0 8 6 48 6 5 30 13 6 78 बाकी आपका सही। तो यहीं पर देखिए मिस्टेक हो रहा था, यहां 78 और दोनों को घटा देते हैं 0 0 0 सब एलिमेंट 0 अर्थात जो रिजल्ट है एक जीरो मैट्रिक्स है। आज यहीं पर इसे